देख रहे होते। हाँ अंतिम संस्कार है वो बिल्कुल बांग निवास स्थान के नजदीक ही है उरे जगह बकरे जागो और बांग चाणाला की संख्या में एक बार दिखाऊं कैमरों घुमा के। तो उरे जो तस्वीर हम थे देख रहे हो फिलहाल मोबाइल स्क्रीन पर अपनी देख रहे हो सूरज झलक पे उरे बड़ी भारी संख्या में पुलिस जाब्तो वो तैनात है। सीधी सीधी तस्वीर है ये और बाकी मैं संख्या दूर तक बात करूँ तो सब देख सको थे आगा चाणाला हर जगह जड़े भी कैमरे की नजर जाने लग रही है और बड़े सिर्फ और सिर्फ आगे चाणाला की संख्या है देख सको थे बड़ी भारी संख्या में लोग उरे एकजुट हुए है अपने चाणाला को और अपने हीरो का अंतिम दर्शन करने के लिए। ये तस्वीर सीधी सीधी है वे चूरू झलक पे देख रहे थे। एक बार एक जितना भी तमाम दर्शक 2400 दर्शक तमाम देख रहे हैं मैंने एक बार बोलूंगा एक बार वीडियो शेयर कर दो ताकि जो फोन कॉल बीच में आवे नहीं आवे क्योंकि हर एक व्यक्ति पूछने का प्रयास है वो कर रहे है कि माने दिखाओ दिखाओ। तो वह अभी अपने पेज पे शायद फॉलो कौन कर रखा है बात तक पूछ रहे को नहीं तो एक बार तमाम साथी अब एक बार पेज ने एक बार ने अपने वीडियो ने लाइव ने शेयर कर दो ताकि बात तक ये वीडियो पहुंच जा। एक बार सब साथी एक एक बार शेयर पे हाथ रखो और शेयर करो तुरंत ने मैं बाद में पूरी तस्वीर है मैं लाइव दिखाने का प्रयास वो लगातार थारे बीच में कर रही हूँ। लोग अब अंतिम दर्शन करने के लिए थे देख सको कतरा दीवारा पे खड़े है मकान की छत है मैं जहाँ पे खड़े हूँ मकान की छत है बैठे भी सैकड़ों की संख्या में लोग है ऊपर खड़े है तमाम मीडिया कर्मी भी ऊपर खड़े है और ये देख सको थे जटे जटे कैमरे की अपनी नजर जा दीवारा पर लोग खड़े हो गए एक अंतिम दर्शन है वो करने को प्रयास वो कर रहे है और ये देख सको थे अंतिम संस्कार की तैयारियां है वो अभी करने लग रहे है और कुछ ही पल में वो तस्वीर आप पूरा अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है बात हम दिखाऊंगा लाइव चूरू झलक के ऊपर। एक बार चारों तरफ घुमा के थाने कैमरों दिखाने का प्रयास मैं करूं तो बांगा चाणाला की संख्या है बांगा अंदाजो थे लगा सको लगातार चूरू झलक थारे बीच में आज दो पैरों ही गुगा मेडी माँ के थाने पल पल की चौपटेट है बदेन लग रहे हैं और जितना भी दर्शक देखे एक बार वे पेज ने फॉलो कर लिया अपने ने और शेयर करते एक बार ताकि अपने आसपास के क्षेत्र की तमाम बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी खबरें बत्थे चूरू झलक पर देख सको। एक बार तमाम दर्शकन करना चाहूंगा जितना भी जुड़ रहे हैं एक बार फॉलो कर दो और शेयर करते उन्हें ताकि और दर्शकों तक भी अपनी है ये कवरेज पहुंचे। लाइव तस्वीर 3000 दर्शक के टीम में चूरू झलक में देखने लग रहे है मैं पल पल के अपडेट दिखाने को प्रयास थाने कर रहा हूं गोगा मीडियम लाइव तस्वीर सीधी सीधी आप देख सको सुखदेव सिंह गोगा मेडी को अंतिम संस्कार की मैं कुछ जूम करके दिखाना प्रयास अगर करूँ तो अठहत्तर है शायद पहचान कौन आवे ये देख सको थे ये देख सको थे कितनी बड़ी संख्या में लोग है उरा पहुंच रहे हैं। लगातार
गोगा मेडी से सुबह से ही, मतलब दोपहर की बात करूं, बजे तो ही अपन सूचना मिली कि दोपहर के बाद में 2 बजे के आसपास पार्थिव शरीर है वो गोगा मेडी पहुंचा, वो अंतिम संस्कार है वो बांगन पैतृक गांव गोगा मेडी में है वो करी जागो। तो जो यहाँ पाउर आया और पल पल के अपडेट दे थाने तक पहुंचाने प्रयास किया, थाने एक बार बता दू दे रही हूँ जो जो दर्शक जुड़े हुए, सुखदेव सिंह गोगा मेडी एक बार विधानसभा चुनाव भी लड़ी है बाद रहा हूँ, हालांकि मैं बाने हार मिली, बसपा की तरफ ये चुनाव लड़े गयो और मैं हार मिली, मैं बाद में कभी चुनाव लड़े को नहीं, बाद में शिलाजी शेखा होते बे लड़े हो चुरू एक बार, लगातार राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना में रहकर हिंदू धर्म की बात कराया करता बे, 36 कौम की बात कराया करता, एक बार खबर लगातार बीच में 2-3 दिनों बात करूं तो एक JNU नारो लगाए गो ब्राह्मण और बणिए भारत छोड़े, तो सुखदेव सिंह बात कही कि ब्राह्मण और बाणिया भारत छोड़ना हो पहले आपको क्षत्रियों के तलवारों से गुजरना होगा, तो बे खड़े न खड़े बे चीजें लेके लोगों के बीच में लोकप्रिय होया, लोग बांचान लग्या, आज भाई जो जनता है बांचान वाली है, भाई खड़ी है खड़े न खड़े 22 राज्य में बात करूं मैं, राजस्थान के अलावा 21 राज्य और 22 राज्य के अंदर सिर्फ राष्ट्रीय राजपूत करनी से ना गठन करो, और पूरे भारतवर्ष की मैं बात करूं पहलो विशाल का संगठन इतना है, पहले राजपूत करनी सेना भी, लेकिन इतनी बड़ी मैं बात करूं इतने प्रदेश हमको नहीं, हालांकि बाद में वह विस्तार करियो, लेकिन राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना बनाने के बाद में सुखदेव सिंह गोगा मेडी है वो पूरे 22 प्रदेश के अंदर आपके सेना को विस्तार करियो और जगह जगह आपका पदाधिकारी बनाया, जठे भी बात आई समाज की धर्म की बठा आंदोलन कराया, आनंदपाल एनकाउंटर लेकर पद्मावत तक सड़का पर आया, सरकार के खिलाफ गया, अपनी बात मनवाने को प्रयास बन करे हो और पॉपुलरिटी है बात दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, लोग दुश्मन भी बनया दोस्त भी बनया, धमकियां भी मिली, सरकार को सुरक्षा की गुहार भी लगाई, प्रशासन सुरक्षा की गुहार लगाई, लेकिन मिली को नहीं और सुरक्षा न मिलने को राजस्थान की सरकार चुप रहने को बात पे गौर नहीं करने को खामियाजो सुखदेव सिंह के परिवार ने भुगतना पड़ो, खामियाजो सुखदेव सिंह ने भुगतना पड़ो, खामियाजो सुखदेव सिंह का बच्चा ने भुगतना पड़ो, खामियाजो ये जो हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं आने भुगतना पड़ो, और आज आठे खाकी बड़ी संख्या में खाकी देखो हर जगह खाकी थाने मिलेगी भादरा हूं, लेकिन मैं गोगा मेडी तक की बात करूं जगह चप्पे चप्पे पुलिस मिलेगी, मरने पहले अब आदमी गुहार लगाता रहा कि मैंने मारने की साजिश बात चल रही है, मैंने मारे जागो, मैंने धमकियां मिले, मैंने पाकिस्तान फोन कॉल आवे, लेकिन सुबह की कांग्रेस सरकार एक बार भी आंख उठा के कौन देखो, एक इतने बड़े पद पर व्यक्ति करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपसे बार बार गुहार लगा रहा है कि मुझे जान से मारने की धमकियां आ रही हैं, मुझे जान से मारने के फोन कॉल्स आ रहे हैं, पंजाब पुलिस राजस्थान पुलिस को इनपुट जाहिर करती है देती है, बाकायदा लेटर लिखती है कि सुखदेव सिंह गोगा मेडी को मारने के लिए लॉरेंस बिश्नोई AK-47 का अरेंजमेंट कर रहा है, बेंगे बाद में भी राजस्थान की सरकार सोती रही, बेंगे बाद में भी कानून व्यवस्था बीसी की बीसी रही, कई वीडियो हमारे पास आया जब सुखदेव सिंह कहता गया कि मुझे मारने की धमकियां मिल रही, लेकिन नहीं सुनी साहब, नहीं सुनी को मतलब आज ये तस्वीर देख सको थे, अगर बड़े सरकार सुन लेती तो ये तस्वीर कुछ और होती आज, लेकिन अब तस्वीर कुछ और है, अब कुछ पल में आठ अंतिम संस्कार बांग हो जागो, एक आवाज हमेशा के लिए खामोश होगी जो धर्म समाज की बात कराया करता, पद्मावत के समय देखे हो थे बड़ो विरोध हो, देश भर में विरोध हो, और मैं बता दूं आपने सेंसर बोर्ड की परमिशन के बाद राजस्थान में पिक्चर नहीं चलने दी करनी सेना, जगह जगह
पत्थरा तोड़ फोड़ाया और राजस्थान के थिएटर का मालिक व पित्र लगाना डर गया। समाज के बाद में समाज के बारे में कुछ अतरंगे दिखाई गई, हालांकि वह करणी सेन है सामने लाई कि खिलजी को और पद्मावत को जो रोल है बैन लेके कुछ न कुछ टिप्पणियां बैन अंदर हुई और बैन लेके बाद में थाने पता हूँ जगह जगह पर धरना प्रदर्शन वगैरह आया, लेकिन राजस्थान में पिक्चर है वह कौन दिखाई गई। अब तस्वीर आते देख को ये गूगा मीडिया लाई हुए तमाम 3,500 दर्शक जो देख रहे हैं, एक बार कहना चाहूंगा मैं एक बार शेयर कर दो इस वीडियो ने, मैं और कुछ जानकारी भी थार लिए अठून निकाल के ले जा रहा हूँ, थाने बताने का प्रयास अब करूंगा, पीछे की कहानियां दोहराने का प्रयास मैं करूंगा और साथ साथ में ये लाइव तस्वीर दिखाने का प्रयास थार बीच में करूंगा। अभी तो जाएगी आप देख सकते हैं अंतिम कप्तान के अब कुछ पल बाद में अठे सुखदेव सिंह को कमेटी का अंतिम संस्कार होगो। तमाम दर्शकों ने ये तस्वीर लाइव दिखाने को प्रयास मारो रहेगो। जय बल्ला। बीच में फोन करने वाले तमाम दर्शकों से कहना चाहूंगा एक बार फोन कॉल प्लीज ना करें, क्योंकि जो दर्शक देख रहे हैं उनके बीच में व्यवधान पैदा होता है, नेटवर्क इश्यू पहले से यहाँ पर बना हुआ है। सूर्यास्त होने में अब कुछ ही समय बाकी है और हिंदू धर्म रीति रिवाज के अनुसार सूर्यास्त तो पहले अंतिम संस्कार अब होना चाहिए और शायद अब जल्द ही अब मुखग्नि है बात दी जागी और शायद कुछ ही पल में मैं तस्वीर थाने दिखाने का प्रयास है पल पल की कर रही हूं। सभी साथियों का धन्यवाद लाइव से करने के लिए तुमने तमाम दर्शकों ने इसका कहना चाहूंगा एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि जिन दर्शकों का फोन आ रहा है वो उनके पास शायद वीडियो पहुंचा नहीं है किसी प्रकार से, एक बार शेयर कर दें ताकि उनके पास पहुंचे। जितने भी एक बार दर्शक हैं 3,400 जुड़े हैं तो एक बार सभी दर्शक एक बार शेयर पे लगाएं अंगूठा और इसको शेयर करें और पेज को फॉलो करें तो आपकी कृपा होगी। एक बार तमाम दर्शकों से कहना चाहूंगा बीच में फोन कॉल्स ना करें प्लीज, आधे घंटे की बात है कि फिर वो फ्री है। थोड़ी सी दर्शक वो दरख्त आ बीच में जो हम लग रही है। एक बार दर्शक तमाम दर्शक देख रहे हैं 4,000 पहुंच गए, एक बार और शेयर कर दो ताकि और दर्शक ना पा दिखाने का प्रयास वो कर सका, लोग तमाम दर्शक है जुड़ सका चुरू झलक पाए, फिर मैं थाने जूम करके दिखाने का प्रयास करूंगा, वो पल पल के अपडेट देने का प्रयास करूंगा, एक एक तस्वीर दिखाने का प्रयास है वो करे जागो। एक बार जितना भी दर्शक 4,000 दर्शक जुड़ गया एक बार शेयर कर दो जितना देरी हुई दर्शक जुड़े और फिर ये लोग मैं थारे लिए जूम करूं और कुछ तस्वीर दिखाने का प्रयास है थाने करूंगा। ये देखो अंतिम तैयारियां है और चल रही है फिलहाल, अंतिम तैयारियां फिलहाल चल रही हैं देख को ये तस्वीर सीधी सीधी चूरू झलक पर लाइव थे देख रहे हो, पल पल के अपडेट था दिखाना प्रयास मैं कर रहा और सुबह से हूं कर रहा ये दोपहर की बात करूं, दोपहर 2 बजे के आसपास आपने सूचना मिली कि सुखदेव सिंह गोगा मेडी का पार्थिव शरीर है वो दोपहर 2 बजे तक पहुंच जाओ, मैं पहले आप पहुंच चुके हालांकि कुछ कारण
जगह जगह बांगा जो समर्थक चाणा रहा बांगी श्रद्धांजलि बांधी, तो बस चलते लेट होया और देरी हुई। अब सूर्य अस्त होने में थोड़ो ही समय बाकी है और सूर्यास्त से पहले अब है मुखागंध की तैयारी अब करी गई है। थे देख सको तस्वीर अंदर बड़ी संख्या में है लोग पूछे है उरे। बड़ी संख्या में लोग पूछे है, तस्वीर में थे साफ साफ देख सको। तमाम जितना भी दर्शक एक बार जुड़ रहे हैं पेज ने फॉलो कर लो आगे पल पल की अपडेट देखने के लिए। जितना भी दर्शक एक बार जुड़ रहे हैं पेज ने फॉलो कर लो और मैं पूरा दिखाने का प्रयास थाने करूंगा, पल पल की अपडेट दिखाने का प्रयास पूरा करूंगा। अब अंतिम संस्कार की जो अंतिम प्रक्रिया है अपने दिखा सकू हूं मैं और कुछ ही पल में ये तस्वीरें हैं साफ आपके बीच में होंगी। लगातार 5,000 दर्शक अपने साथ बने रहा, बांगो बहुत बहुत धन्यवाद। ये तस्वीरें हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी के निवास स्थान की, गोगामेडी की ये तस्वीर सीधी सीधी थारे बीच में है। और थाने पतो होगो 2 दिन पहला जयपुर के अंदर श्याम नगर इलाके में आंगो निवास है बठे नवीन शेखावत नाम करके दो लड़का लेके आवे मिलने के भ्याने और वे रूम के अंदर बैठे हैं। और बड़ी बात ये कि बन गारडांगो दिल भी जीत लियो, कई बार आना जानो रहा कर तो गारडांगो दिल है वो जीतो। और अंदर घुसा 10 मिनट वार्ता करी है और 10 मिनट वार्ता करने के बाद में अपना पिस्टल निकाले और सुखदेव सिंह गोगामेडी के पहलो वार है वो हट को प्रेक रहे हो। पहली दृष्टि देखी तो खड़े नगर शूटर है पर लागण लग रहा क्योंकि पहले वार है वो हार्ट पकड़े गए। बैंक बाद में 1-2 राउंड फायर किया गया, फिर अंतिम राउंड है वो बांगे नजदीक जाके बांगे एकदम जो सिर है बैंक ऊपर वो राउंड फायर करे गए ताकि किसी प्रकार से सुखदेव सिंह गोगामेडी बचे नहीं। बैंक बाद में एक स्कूटी लेके फरार आया, स्कूटी सवार के गोली मारी है। ये पूरा घटनाक्रम रहा समाज बैंक बाद में सड़क पर बैठे हो आंदोलन कर जगह जगह पर। बात करूं मैं चूरू जिले की बात करूं तो चूरू जिले में जगह जगह पर सड़क जाम हुई, पथराव भी कई जगह हुआ, आक्रोश है वो व्यक्त करे गए कानून के प्रति सरकार के प्रति। और तमाम दर्शक है अब 5,000 प्लस हो चुका है, तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जो शेयर करे हो। 5,000 प्लस दर्शक आपने फिलहाल चूरू झलक पर देखने लग रहे और पल पल की अपडेट है मैं दिखाने का प्रयास है वो कर रहे हूँ, एक एक चीज दिखाने का प्रयास है वो कर रहे हूँ। ये देख सको थे बड़ी संख्या की बात मैं करूं तो देख सको थे गाड़ियों की संख्या अंदाजो लगा सको कि लोग आठे बागे श्रद्धांजलि देने वाला कितना आया होगा। ये तस्वीर सीधी सीधी सुखदेव सिंह गोगामेडी निवास गोगामेडी में, ये अब अंतिम संस्कार आठ है मुखांगनी दिए जागी और तमाम दर्शक है वो लाइव तस्वीरें ये देख रहे हैं सीधी सीधी लाइव तस्वीर। ये तस्वीर मुखांगनी बात दे दी गई है, तस्वीर हम थे देख सको मैं जूम करके दिखाना को थारा प्रयास है वो करूं। ये देख सको तस्वीर अंदर सूर्य हिंदू धर्म को एक रीति रिवाज है कि सूर्य स्तन ऊपर अंतिम संस्कार होना चाहिए और पूर्व कार्यक्रम ध्यान में रख के ये देख सको थे। मैं अड़तवाम मेरा मीडिया का बंधु पूछ रहे हैं जितने भी मीडिया कर्मी सुखदेव सिंह अमर रहे के नारे वहां पर गूंज रहे हैं। बिल्कुल तस्वीर आपके बीच में सीधी लाइव एट में मुखांगनी आवाज दे दी गई है, सुखदेव सिंह अमर रहे का नारा है बह गूंज रहे हैं। तस्वीर हम थे सुन सको हो चूरू झलक की पूरी टीम की तरफ हूं, सुखदेव सिंह गोगामेडी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हम। ये तस्वीर सीधी सीधी गोगामेडी हूं और नारा उद्घोष थे देख सको सुखदेव सिंह अमर रहे। जटे अंतिम संस्कार होने लग रहे हैं बटे चारों तरफ रस्सियां बैरिकेटिंग वगैरह करी गई है ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो क्योंकि पुलिस प्रशासन ने पता हो कि बड़ी संख्या में लोग है पूछेगा उरे एक भारी बल पूछेगो एंड पुलिस प्रशासन की तमाम टीम भी अरे बड़ी संख्या में लगा दी गई। अरे कई गाड़ियां पुलिस प्रशासन की हैं, कई आला कमान का ऑफिसर लाइक ऑफिसर भी हैं। और आखिरी बार आप सुखदेव सिंह गोगामेडी देखे हो
सीधी तस्वीर आंखों का मेडियो ये मैं नारा ये भी लग रहे हैं कि सुखदेव हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अभी जिंदा हैं। लगातार पिछले दो दिनों बात करूं तो एनकाउंटर की मांग भी करी गई समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, बड़े पूछे गया बांगा हितेशी समर्थक जो भी कार्यकर्ता बांगा द्वारा। और दो दिन बड़े आंगा चाणाला सड़का पे बैठे रहे, रोष व्यक्त है वो करता रहा, सरकार मांग मांगता रहे, लेकिन आठे की राजधानी की सरकार भी नवीन वेली मणि को नहीं तुरते तो सरकारी कौन मणि। ये सीधी तस्वीर देख रहे होते ये देख रहे होते, ये तस्वीर गोगा मेडी की हैं, ये तस्वीर सुखदेव सिंह गोगा मेडी की अंतिम दर्शन की तस्वीर हैं। और तमाम दर्शकान जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब उनका अंतिम संस्कार है वो हो चुका है, मुखाग्नि दे दी गई है, तमाम अब लोग थे वो अब वापस चल पड़े हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम दर्शकों का धन्यवाद, दिल से शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।